डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट और वाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट मैं लिकुडस आर कोल्ड क्या होगा जब हम लिकुडस को हम ठंडा करेंगे तो उनके दरमियान जो एनर्जी होगी सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वो रिड्यूस हो जाएगी जो क्लीजन इनमें हो रही होगी वो भी कम हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किससे लिक्विड से सॉलिड में और इसको हम नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट का द वेपर प्रेशर ऑफ़ लिक्विड डिक्रीज उससे क्या होगा कि वेपर जो थे वो पहले निकल रहे होंगे लिक्विड में से अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा था टेम्परेचर कम करने से क्या होगा सबसे पहले उसका वेपर प्रेशर रिड्यूज हो गया कम हो गया एंड अ स्टेट रीट वैन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट अब क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर लिक्विड का था वो किसके इज इक्वल हो जाएगा सॉलिड के इक्वल हो जाएगा हुआ क्या एक्चुअली में क्योंकि जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर कम किया कानेटिक एनर्जी कम हुई जिससे कोलिजन और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक दूसरे के साथ वो क्लाइट कर रहे थे वो कम हुए अब मॉलिक्यूल जो थे वहाँ से वेपोरेट नहीं होंगे यानी कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो वहाँ से वेपोरेट होकर नहीं निकलेंगे बल्कि क्या होते जाएंगे आपस में अरेंज होते जाएंगे ये देखें यहाँ पर ये रेंडमली मूव कर रहे हैं जबकि State में और स्टेट में जब इनकी तो पॉइंट so तो क्या हुआ से किस में कन्वर्ट हो गए कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू सॉलिड एज फ्रीजिंग पॉइंट एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इस ग्राफ को जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिक्विड है ठीक है यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है और इस फेस को छोड़ के अगर इधर आ जाए तो ये सॉलिड है टोटल आइस बन चुकी हुई है यहाँ पे ये वाटर लिक्विड में है यहाँ पे ये सॉलिड क्यूब्स नजर आ रहे हैं आपको लेकिन ये दोनों के दरमियान में आपको क्या नज़र आ रहा है एक मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं तो यहाँ पर ये बोथ स्टेट्स आर को एग्जिस्ट यहाँ पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है कुछ पानी का जो वॉलीम है वो किस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है लिक्विड एज रेडी वो जो पहले से ही है और कुछ जो है कन्वर्ट हो चुका है आइस में यानी कि यहां से इस पॉइंट से आके अब ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है फ्रीजिंग में यानी कि ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया हुआ है सो दिस इज नेम एज डायनेमिक डायनेमिकलेब्रियम जहां ये दोनों स्टेट इसकी क्या करें को एग्जिस्ट करें सो नेम एज डायनेमिक डायनेमिकलेब्रियम एंड इट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड लेकिन अगर इससे हम थोड़ा सा नीचे आए आप आपके यहाँ पे आ जाए जीरो डिग्री पे अगर आ जाए टेम्परेचर पे तो ये क्या हो जाएगा टोटल सॉलिड में और आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्यू लिक्विड Are given in that table. तो इस में कुछ लिक्विड्स के जो हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट बताए गए हैं कॉमन लिक्विड है जैसे डाई इथाइल इथर है माइनस वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस इथाइल अल्कल माइनस वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्री वाटर वेरी फेमस अमें पता है कि इसका कितना जीरो पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस से जैसे ये जीरो पे आता है तो ये क्या हो गया सॉलिड हो गया क्योंकि जीरो पे आते ही ये इससे नीचे हुआ और टोटल वाटर जो था वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड से सॉलिड में एन ऑक्टेन माइनस फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड द एसिटिक एसिड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन इज हेयर कि ये चेंज होते क्यों हैं वाई दे चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड वाई वेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द लिक्विड क्या हो रहा है कि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं ले लेते हैं लिक्विड से ठीक है अब उससे क्या हुआ एनर्जी लेंगे इसका मतलब है इसका टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा जैसे ही टेम्परेचर कम किया पार्टिकल स्लो डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काज टू फ्यूज एंड फॉर्म अ सॉलिड तो जैसे ही एनर्जी निकली पार्टिकल की जो क्लीजन थी या जो मोशन थी वो कम हुई और वो क्या की है? एक दूसरे के साथ उन्होंने जुड़ना शुरू कर दिया फ्यूज होना शुरू कर दिया और यू कैन से दैट दे फर्स्ट दे आर इरेगुलर इन शेप एंड पैटर्न बट वेन दे बिकम सॉलिडिफाइड दे बिकम इन अ प्रॉपर एंड रेगुलर पैटर्न तो इस तरह से ये क्या हो गया लिक्विड से कन्वर्ट हो गए किसमें सॉलिड में आफ्टर दियर फ्रीजिंग पॉइंट